हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू स्पेशल किचन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे सोयाबीन के कबाब। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जब हम लोग मार्केट में खाते हैं तो वो बहुत ही एक अलग ही फ्लेवर वाले होते हैं। तो वही फ्लेवर में आप लाने के लिए हम लोग इसमें यूज करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। मार्केट में जो मिलता है उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज होता है, कुछ लोग घर में बेसन भी यूज करते हैं इसमें, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं लगता, वो ऐसा लगता है जैसे पकौड़ी हो। तो हम लोगों को पकौड़ी तो बनानी नहीं, हम लोगों को तो कबाब बनाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसमें कॉर्नफ्लोर मैदा यूज करेंगे और इसको हम लोग डबल फ्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट में भी ये डबल फ्राई होते हैं, वो सिंगल फ्राई करके रख देते हैं और उसके बाद डबल फ्राई करते हैं, तो इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये सोयाबीन की बड़िया ली है। तो ये ऐसी होती है जैसे की होती है, इसको मैंने ना पानी में भिगो कर रख दिया था, उसके बाद मैंने निचोड़ कर पीस लिया था। पानी में भिगो कर रखने से पहले मैंने पहले से दो बार धो दिया था, तो दो तीन बार धोने के बाद मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। तो आप ठंडे पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं। मैंने इसको भिगो कर पीस लिया था और इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है। आप इसे एकदम टाइट निचोड़ ले। अब हम लोग लेंगे 5-6 कलियां लहसुन की, 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 इंच अदरक और ये मेरी छोटी लाल मिर्च है तो मैं सॉरी छोटी हरी मिर्च है तो मैंने 4 या 5 ली है। अब हम लोग इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूं और इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। ये हम पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, ये मैंने एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। अब ये सारा पेस्ट हम लोग वड़ियों में यूज करेंगे। ध्यान रहे आपकी जो बढ़िया है वो एकदम टाइट निचोड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पेस्ट भी ऐड करेंगे तो वो थोड़ा और पतला हो जाएगा। तो अब ये पेस्ट मैंने ऐड करी, आप टेस्ट अनुसार मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर सॉरी चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और सबसे लास्ट में काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अरारोट यूज कर सकते हैं या खाली मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाला कॉर्नफ्लोर और 2 ही चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। वो सब आप अपने बड़ियों के अकॉर्डिंग देख ले, जितना कि आपके उसमें मिक्स हो रही हो, मतलब पतला नहीं रहना चाहिए, एकदम टाइट करना है हम लोगों को, एकदम बहुत टाइट भी नहीं, नॉर्मल करना है, ना बहुत पतला रखना है, एक डो की फॉर्म में आ जाए बस हमारा। तो ये मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए आप, ये मेरा एकदम टाइट हो चुका, डो की फॉर्म आ चुकी है। अब हम लोग लेंगे 1 कटोरी में पानी और इसको हाथ पे लगाएंगे और उसके बाद यदि आपके पास ऐसी स्टिक है तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, यदि ऐसी स्टिक नहीं है या स्टील वाली नहीं है तो हम लोग आज इसे पेंसिल में बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में भी बीच में जो होल होता है वो काफी मोटा होता है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये मैंने हाथ में पानी लगाकर ऐसे लंबा लंबाई में बेल ले लिया है, उसके बाद पेंसिल को अंदर प्रेस करके और इसको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करते हुए दबाते हुए कबाब की शेप दे देंगे। तो आप इसी हिसाब से कबाब बनाएं, आपके एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, कबाब खाने में तो टेस्टी लगते ही लगते हैं, वैसे भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम को मैं फिलहाल लो कर रही हूँ और उसके बाद ऐसे पेंसिल बाहर निकाल लेंगे और इसे कबाब को इसमें धीरे से छोड़ देंगे। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। इस कढ़ाई में आपके जितने कबाब आए आप उतने ही ऐड करें और इसको भी टच ना करें। तो मेरे 3 कबाब आ रहे हैं इसमें, तो मैं ये 3 ही स्टिक इसमें रखूंगी और अभी इसको टच नहीं करूंगी। लगभग 2 से 3 मिनट बाद ये इनको हम लोग अलट पलट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है थोड़े कच्चे और वो है पूरा बन चुका। तो मैं इसको डबल फ्राई करूंगी, तो फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए किया था तो ये सिंगल फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये मैंने सिंगल फ्राई वाले निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसको हम लोग डबल फ्राई करने के लिए बीच में से कट लगाएंगे। ये देखिए अब ये वाले कच्चे वाले हैं, अभी इसमें से 1 सिंगल फ्राई वाला है, 2 डबल फ्राई वाले हैं। तो ये देखिए हम इस तरह तिरछे काट लेंगे और इसको वापस, ये देखिए अंदर से कच्चे है ना थोड़े, तो अब इसको वापस हम लोग डीप फ्राई करेंगे, डबल फ्राई करेंगे।
ये लीजिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारे डबल फ्राई जो होने हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे भी मार्केट में तो वो लोग डबल ही फ्राई करते हैं। डबल फ्राई करने से क्या होता है, ये एकदम क्रिस्पी बन जाते हैं। लेकिन यदि आपको थोड़े सॉफ्ट पसंद है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़े सॉफ्ट ही पसंद होते हैं, लेकिन मुझे क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैं डबल फ्राई कर रही हूँ। यदि आपको थोड़े सॉफ्ट पसंद है तो आप सिंगल फ्राई कर लें। ये मैंने डबल फ्राई कर लिए हैं, ये मेरे डबल फ्राई और सिंगल फ्राई दोनों हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्लेटिंग करते हैं, इसे सर्व करते हैं। तो इसे मोमोज की चटनी के साथ खाया जाता है या फिर हरी चटनी के साथ खाया जाता है। हरी चटनी में आप थोड़ी सी मेयोनीज मिला लें, एकदम अलग ही टेस्ट, अलग ही फ्लेवर आएगा। तो ये लीजिए हमारे कबाब बनके रेडी है। ये लास्ट में थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसको टिक्की की शेप दे दी, जैसे कि कबाब की शेप होती भी है। तो ये लीजिए हमारे सीख कबाब बनके रेडी है। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, घर में इतने टेस्टी बनते हैं कि आप मार्केट के खाना भूल जाओगे। और एकदम फ्रेश घी में, फ्रेश तेल में, जिसमें भी आपको बनाना हो आप घर में बना सकते हैं। आप लास्ट में सर्व करते समय इसमें ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि मार्केट में भी वो लोग ऐसे स्प्रिंकल करके देते हैं। तो चाट मसाला स्प्रिंकल करने के बाद जब आप खाएं तो तभी आप इसमें नींबू ऐड करें। तो मैं भी बनाकर बच्चों को दे रही हूँ, इसलिए मैं इसमें साथ के साथ नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।